जो फेल बच्चे पीछे बैठे, पीछे आगे आ जाओ, पीछे हो जाके बैठे, आगे आ जाओ। कौन सा श्लोक था, कहाँ जा रहे हो, कथा सिनेमा देखने के लिए जाओ तो तीन तीन घंटा बैठ कर देने आते हैं। क्या क्या कौन सा श्लोक था, जोर से बोलो। अरे बोलो कौन सा, हाँ बोलो। हाँ देखो अंकल ताली बजाओ, तुम लोग खड़े हो गए, तुम्हारा है। और किस किसको याद है, और किसको याद है, हाँ बोलो। हाँ ठीक ठीक अच्छा, और किसको याद है, और कोई बोलो। सब एक एक कापी ले गए, उसको गया ना, और लड़कियाँ सब कहाँ गई, उसमें घर का हिसाब लिखा है, घर का हिसाब लिखते हैं। उसमें बच्चियाँ कहाँ गई जो आती थी, याद करती हो, और कौन, ए बच्चों याद, श्लोक लिए ही नहीं, रोज तो आती नहीं, कैसे श्लोक लोग, और किसको याद है, और किसको श्लोक याद, बोलो। हाँ बोलो कोई श्लोक, हाँ ठीक। और तुम लोग याद किया, बोलो। शुद्रास्तेसा, और तुम लोग श्लोक दो तो इधर, हाँ देखो देखो, ये श्लोक में, ये श्लोक में क्या बता रहे हैं, कहते विप्र क्षत्रिय वैश्य च गुरव शूद्र जन्मानाम शूद्रास गुरवस्तेषाम त्रयाणाम भगवत प्रिय। अच्छे तरह से इस श्लोक को याद करना और इसका मीनिंग भी याद करना। यहाँ पर कह रहे हैं भैया गुरु कौन बन सकता है, गुरु का क्या लक्षण होनी चाहिए, हैं? अगर कोई बोले गुरु तो वही बन सकता है जो बहुत बड़े कुल में जन्म हो, किसी ब्राह्मण कुल में जन्म होनी चाहिए, उच्च वंश में जन्म होनी चाहिए तभी गुरु बन सकते हैं। यहाँ पर कहते बोले नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, कहते विप्र क्षत्रिय वैश्य गुरव शूद्र जन्मानाम, कहते शूद्राश्च गुरव तेषां त्रयाणाम भगवत प्रिय। अगर कोई व्यक्ति भगवान की अगर कोई प्यारा बन जाता है, हैं भगवान की कोई अगर अत्यंत प्रिय अगर बन जाता है, तब क्या थे शूद्रश्च गुरवस्तेषाम, कहते अगर वो शूद्र कुल में क्यों जन्म नहीं ग्रहण करे, कहते वही व्यक्ति गुरु बन सकता है, वही व्यक्ति गुरु बन सकता है। अगर वो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता तो, भगवान की भजन करता तो, इसलिए कहते विप्र क्षत्रिय वैश्यश्च गुरव शूद्र जन्मानाम, अगर कोई विप्र हो, कोई क्षत्रिय हो, अगर कोई वैश्य अगर हो, लेकिन गुरव शूद्र जन्मानाम, कहते वो व्यक्ति अगर कोई शूद्र घर में अगर जन्म हुए है, लेकिन ये भगवान की भजन कर सक भजन करता है, कहते ये तीनों का ये गुरु बन सकता है, ये तीनों का ये एक शूद्र कुल में जन्म लेने पर भी ये गुरु बन सकता है, हैं? लेकिन अगर भगवान की भक्ति नहीं करता है, भले ही ब्राह्मण कुल में क्यों जन्म नहीं हो, क्षत्रिय कुल में, वैश्य कुल में क्यों जन्म नहीं हो, अगर वो भगवान की भक्ति नहीं करता है, कहते अगर शूद्र कुल में अगर कोई जन्म लेकर भजन करता है, ये तीनों का गुरु वो बन सकता है। लेकिन मूल क्या है, कहते मूल है भगवान की भक्ति। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं विप्रात द्विषण गुण जूत अरविंद नाभ पद अरविंदात विमुखात स्वपचम वरिष्ठम, कहते ब्राह्मण के अंदर में 12 गुण होनी चाहिए, कितना गुण होनी चाहिए, 12 गुण होनी चाहिए तभी वो ब्राह्मण बन सकता है, हैं? ब्राह्मण घर में जन्म ले लिया, जने हुए बीड़ी फूंकता है, शराब पीता है,
मांस खाता है, बताओ वो ब्राह्मण बन सकता है? भले ही ब्राह्मण घर में जन्म ले लिया, लेकिन ब्राह्मण का कोई धर्म गायत्री जप ही नहीं करता, जनेऊ है ही नहीं, जनेऊ है ही नहीं, वो थोड़ी ब्राह्मण बन सकता है? भले ही ये ब्राह्मण घर में जन्म ले लिया, लेकिन अगर भले ही ब्राह्मण घर में जन्म नहीं लिया, जैसे हनुमान जी कौन सा कुल में जन्म हुए? बंदर। अगर किसी घर में बंदर घुस जाए ना, बोले भैया ये घर अपवित्र हो गया, इसको साफ कर दो। हनुमान खुद कहता है, हनुमान कहता है सवेरे अगर किसी ने मेरा नाम सुन लिया, अगर मेरे कोई मुंह देख लिया, दिन भर उसको भोजन नहीं मिले। मैं इतने घटिया कुल में जन्म लिया, लेकिन देखो राम की मैं भक्ति करता हूँ, भगवान की भजन करने का नाते देखो घर घर में हनुमान जी की पूजा होती है, घर घर में हनुमान जी की पूजा होती है। जैसे सबरी नाम सुने होंगे ना, सबरी जी की हैं, कहते हैं सबरी की झूठ बेर खाए, इसलिए बोले सबसे ऊंची प्रेम सगाए, झूठ बेर सबरी के खाए, बहु विध स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाए। कहाँ? सबरी घर में जन्म हुई, लेकिन ठाकुर जी उसके झूठे बैर ठाकुर जी खाते हैं। कहते सबरी तेरे झूठे बैर में जो स्वाद आया ना, कहते वैकुंठ में मेरी लक्ष्मी आ, पता नहीं मेरे को कितने 56 भोग 36 व्यंजन भोग लगाते हैं, वो स्वाद नहीं आता है तेरे झूठे बैर में जो स्वाद आया। कहते दुर्जय धन के मेबा त्यागे, साग विदुर घर खाए। दुर्जय धन ने भगवान के लिए पता नहीं क्या क्या अन्न व्यंजन बना कर रखा था, लेकिन ठाकुर जी त्याग दिए शूद्र घर में, हैं छोटे जाति विदुर जी के घर में ठाकुर गए और केले का छिलका ठाकुर जी खाए। इसलिए प्रहलाद महाराज कौन सा कुल में जन्म हुए? राक्षस कुल में। विभीषण कौन सा कुल में जन्म हुए? राक्षस कुल में। हैं जब भगवान के राम दरबार लगता है, विभीषण कहाँ बैठता है? भगवान राम जितने ऊंचाई आसन पर बैठते हैं, उनको गुह का चंडाल, सुग्रीव, विभीषण उनको बराबर आसन, भगवान राम जैसे ऊंचे आसन पर, उनको बराबर आसन पर इनको भी स्थान मिलता। बोले क्यों स्थान मिलता है? चूंकि ये भगवान का भजन किया, भगवान की भक्ति किए, इसलिए यहाँ पर कहते हैं अगर कोई भले ही निकृष्ट कुल में जन्म क्यों नहीं हो, अगर ये भगवान की भक्ति करता है, लेकिन वो शूद्र होने पर भी ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का ये गुरु बन सकता है। ब्राह्मण का 12 गुण है। यहाँ पर कहते हैं अभी तो कलयुग में एक भी गुण देखना कठिन है, समो दम तितिक्षा आर्य, उनको 12 गुण बताया, अभी तो ब्राह्मण में एक भी गुण देखना कठिन है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं भले ही ब्राह्मण के अंदर में ये 12 गुण है, पूरा के पूरा 12 गुण है, लेकिन अरविंद नाभ पदारविंद सपत जब वरिष्ठम, लेकिन वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, भगवान की भजन नहीं कर रहा है, भक्ति नहीं करता है। कहते भैया उससे तो भले ही नीचे कुल में क्यों जन्म नहीं हो, अगर वो व्यक्ति प्रभु की भक्ति करता है उसको तो 21 पीढ़ी उधार होगा। कितना पीढ़ी उधार होगा? कि कौन किसने बताया? ये नरसिंहदेव प्रहलाद को बताया। जब प्रहलाद ने कहा ठाकुर जी मेरे पिताजी को उधार कर दो, मेरे पिताजी बड़े दुष्ट थे, आपको संतों को द्वेष किया, मेरे पिताजी को उद्धार कर दो। देखो अगर घर में तुम्हारी बेटा अगर भक्ति करने वाला हो, बेटा अगर भजन करने वाला हो, उसका हृदय कितना बड़ा ऊंचा होता है। देखो हैं जिस पिता हिरण्यकश्यपु सारा जिंदे की कोशिश किया प्रहलाद को मारने के लिए, आप तो सुने होंगे होलिका को आग को बीच में होलिका बैठा करके आग लगा दी, जहर भेज दिया, पहाड़ ऊपर से फेंक दिया, काल कोठरी में बंद कर दिया, जिसने जिंदगी भर मारने के लिए कोशिश की। लेकिन जब ठाकुर जी कहते वर मांगो, लेकिन वर क्या मांगा? मेरे पिताजी का उद्धार कर। लेकिन इसी जगत में देखना, अगर किसका 2 बेटे 3 बेटे हो उसको कुछ संपत्ति, अगर किसने एक बेटे को थोड़ी सी काम हिस्सा में आ गया, देखना जब तक जिंदा रहेगा ना टुकड़ा टुकड़ी को गाली देता रहेगा, गाली देते रहेगा टुकड़ा टुकड़ी को, बोले हमें हिस्सा में कम दिया, वो बेटी को उसने जादू जिंदगी भर गाली निकलेगा जब तक जिंदा रहेगा हैं। लेकिन अगर बेटा अगर भगवान की भक्त होता है ना, कहते देखो उसका हृदय कितना महान, उसका हृदय कितना बड़ा, उसका हृदय होता है हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो मूल है भगवान की भक्ति, भगवान की भजन,
भले ही जिस कुल में क्यों जन्म नहीं हो, उसी अवस्था में रह कर के क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। एक बार आज एकादशी है ना, एक बार हरि नाम करेगा तो 100 बार नाम करने का फल मिलेगा। आज का जो एकादशी बहुत बड़ा आज एकादशी पांडवान ने चला, हम सुनेंगे उसकी कथा। जोर से बोलो बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। बोला श्री हरि नाम संकीर्तन की, सचिनंदन गौर हरि की, पांडवा निर्जला एकादशी तिथि की, पिताई गौर ब्रह्मानंद हरि। और श्यामण तो बोलोगे, बोलो सुबह तुम भी कुछ याद करके नहीं, ठीक तुम बोलो, अरे तुम बोलो, उसके बाद में हमारे पंडित बड़े पंडित जी बोलेंगे। बोलो बोलो बड़ा बोलो माइक का है। आज हम आप लोग कितने भक्त लोग हैं, निर्जला व्रत एकादशी व्रत, आप कितने लोग एकादशी व्रत करके हाथ उठाओ तो हरी बोल बोलो, किसने किसने एकादशी हरी बोल सब ले रखे और पूरा निर्जला व्रत कर रहे, पूरा निर्जला बड़ो पर वास्तव की जय। आज हम लोग बता देंगे निर्जला एकादशी का कथा, आज का दिन निर्जला व्रत करने से क्या होता है। हरे कृष्णा हरे रो हरे खाना समय दे, हम लोग तो गए थे कहाँ पर, सुकरताल गए थे ना, सुकरताल हम लोग गए थे, इसलिए हम लोग ने वहाँ पर बताए थे। हम यहाँ पर कोई जमीन ढूंढ रहे थे जहाँ पर हमारी मंदिर ठाकुर जी का मंदिर बने, इसलिए हम लोग ने स्थिर किया है जो राम बाग में वहाँ पर एक जमीन हम लोग हम राम बाग में एक जमीन को हम लोग ने दिया है। कल हम लोग का बात हो गई है, वहाँ पर दो तरफ में रोड है, उधर भी रोड है इधर भी रोड है, दोनों तरफ में और रोड भी है, और वहाँ पर हम लोग वहीं पर शायद 1100 गज इसमें जगह होगा, बहुत बड़ी जगह है, हैं वहाँ पर हम कोशिश करेंगे सुंदर मंदिर बनवाएंगे, कुछ फूल का बगीचा भी लगाएंगे, कुछ गैया भी रखेंगे, हैं वहाँ पर कोशिश करेंगे अच्छे तरह से सुंदर जैसे मंदिर बन जाए। और अगर किसी की इच्छा हो जैसे हमारे ठीक मंदिर को जैसे सामने कुछ जगह बड़ा भी हुआ है, हैं अगर कोई चाहे हम भी मंदिर को पास में रहेंगे तो रोज़ रोज़ मंदिर में आने में आसानी हो जाएगा, रोज़ रोज़ मंगल आरती में आएंगे, ठाकुर जी का सेवा करने आएंगे, ठाकुर जी का मंदिर को पास में रहेंगे तो बस एक कदम आगे बढ़ाते ही मंदिर है, इसलिए उसको सामने भी कुछ जगह पड़ी हुई है। अगर किसकी इच्छा हो आप लोग को जमीन को ले सकते हो, लेकर के मंदिर को पास में अगर कोई नया घर अगर कोई ढूंढता हुआ होगा हैं, आप लोग वहाँ पर अपना जमीन ले करके वहाँ पर अपना घर बना सकते हो मंदिर के पास में, ठीक है। ओम ज्ञानतुरन्तस्य ज्ञानञ्जनसमाकरणं चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो शुक्राय कृष्णपृष्ठाय पुत्रे शिशुवे प्रतिपदाय श्री धर्मस्वामी नमो सर्वथा अपने गुरुदेव श्री जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री धर्म गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कदमों को अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी मातृ भाई बहन सभी के चरणों में मेरे यथा योग्य दंड प्रणाम।
हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम पिछले कई दिनों से महाराज जी के मुखारविंद से एक ग्रंथ सुन रहे हैं जिसका नाम है जैन धर्म। तो हमारे जो परम गुरुदेव श्री भक्तिवेदांत स्वामी नारायण गोसाई महाराज जी इस ग्रंथ के लिए बहुत ही विशेष आग्रह करके बोलते थे कि अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी साधक है, तो कुछ पढ़े ना पढ़े, अगर भक्ति जगत में आपको रहना है, तत्व ज्ञान सिद्धांत तो कुछ भी आपको जानने हैं, तो जरूर से जरूर जैन धर्म का पाठ, जो भी जैन धर्म है उसको हम पढ़ने का समझने का प्रयास जरूर करें। एक बार एक बहुत बड़े सन्यासी, मायावती सन्यासी, हमारे परम गुरुदेव के पास आए और बताने लगे कि महाराज मैंने ये भी पढ़ा है, मैंने ये भी पढ़ा है, मैंने ये भी ग्रंथ पढ़ लिया, मैंने सारे उपनिषद पढ़ लिए, सारे ग्रंथ पढ़ लिए, सब मुझे याद है, सब कंठस्थ है ये वो। तो हमारे जो परम गुरुदेव ने एक ही बात पूछी, क्या तुमने जैन धर्म पढ़ा, तुमने क्या जैन धर्म पढ़ा? तो उन्होंने कहा नहीं। हमारे गुरुदेव ने कहा तुमने कुछ नहीं पढ़ा, जाओ पहले जैन धर्म पढ़ के आओ, पहले जैन धर्म का अनुसरण करो, उसको सीखो, पढ़ो। तो उन सन्यासी ने कहा ठीक है, तो चले गए। तो महाराज जी जब उन्हें मिले 5-6 महीने बाद, तो दोबारा महाराज जी के पास आए और बैठे। तो महाराज जी ने दोबारा पूछा क्या तुमने जैन धर्म पढ़ा, तो उनका सर नीचे हो गया। तो बताएंगे हमारे जो गुरु महाराज जी थे परम गुरुदेव, जैन धर्म को पढ़ने के लिए समझने के लिए विशेष आग्रह करते थे कि अगर किसी को भी भक्ति जगत में रहना है, कुछ भी, कोई से भी, किसी भी प्रश्न का उत्तर हमें हमारे सांसारिक जीवन, भक्ति जीवन में कुछ भी तत्व ज्ञान सिद्धांत सब कुछ इस जैन धर्म ग्रंथ में मिलेगा। तो बताएंगे जैसे श्रीमद् भागवतम है, इसको बताएंगे सर्व वेदान सारी श्रीमद् भागवतम इष्यते तद रसामृतम तृप्तस्य न अन्यत्र स्वादृति क्वचित। ये जो श्रीमद् भागवतम है ना, सारे ग्रंथों का सार है, सारे ग्रंथों का सारे श्रीमद् भागवतम। जिसने इस श्रीमद् भागवतम ग्रंथ को सुन लिया, पढ़ लिया, वो इतना रस आ गया तो वो कोई और ग्रंथ पढ़ नहीं सकता। तो बताएंगे जो श्रीमद् भागवतम क्या है, ये रसी ग्रंथ है, इसमें पूरा रसी रस है। लेकिन जो ये बताए जैन धर्म है, ये क्या है, तत्व सिद्धांत ग्रंथ, ये सारे वेदांतों का सार है। हमारे श्री जो आचार्य में श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी वो बताते हैं कि भैया सारे ग्रंथों का मैंने निचोड़ इसमें रख दिया है, जैन धर्म में रख दिया है। तो जैन धर्म जो ग्रंथ है, इसको हमारे परम गुरुदेव ने जब इसकी बंगला से हिंदी में इसकी रचना की, तो इसे कम से कम कितनी बार पढ़ा, 60 से ज़्यादा बार। ऐसा नहीं कि उन्हें समझ गया, लेकिन उन्होंने उसके एक एक रस विचार को देने के लिए उसको कम से कम 60 बार पढ़ा। तो हमें कम से कम जीवन में एक बार तो पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, ये इतना महान ग्रंथ है। इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद हमारे जो हृदय में जो भी प्रश्न है भक्ति से रिलेटेड, कुछ भी, कभी हम भटकेंगे नहीं जीवन में, कभी नहीं भटकेंगे। और कोई भी हमसे कुछ भी प्रश्न पूछ लेगा ना, हम उसका जवाब देने में 1 सेकंड लगेगा, हमें सोचना नहीं पड़ेगा, ये ऐसा ग्रंथ है। तो जो इस ग्रंथ है इसमें बताया गया वास्तव में जीव का जो धर्म क्या है। तो हमारे जो परम गुरु भक्ति प्रज्ञान किशोर गोसाई महाराज जी इसकी प्रस्तावना में एक बहुत अच्छी बात लिखते हैं। देखो हम ग्रंथ खुद पढ़ेंगे और एक वैष्णव के अनुगत में पढ़ेंगे, बहुत अंतर आ जाएगा। खुद पढ़ेंगे ना, पढ़ के निकल जाएंगे, लेकिन हमारे जो वैष्णव के अनुगत्य में, गुरुदेव के अनुगत्य में जब हम इस ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, तो ग्रंथ के अध्ययन में ही शुरू में बताया गया जो एक ग्रंथ है ना, सारे देख रहे चारों तरफ धर्म फैले हुए, कोई अल्प संप्रदाय, कोई ऐसे ऐसे धर्म, कोई बोल रहा है माता का धर्म, पिता का धर्म, तरह तरह के धर्म हम देख रहे हैं, जो क्या है, शारीरिक धर्म है। लेकिन चारों तरफ अलग अलग धर्म है, कोई अपना धर्म लेके बैठा है, कोई मुस्लिम धर्म बता रहा है, कोई हिंदू धर्म बता रहा है, कोई सिख धर्म बता रहा है, कोई ईसाई धर्म बता रहा है, अलग अलग धर्म देखने को मिल रहे हैं। तो सर्वश्रेष्ठ जो धर्म क्या है, तो धर्म है क्या वास्तव में, तो हमारे जो परम गुरुदेव बता रहे हैं कि सारे जो धर्म है ना, इसमें सर्वश्रेष्ठ जो धर्म है वो है कि किसका धर्म है, श्रीमद् महाप्रभु जी का, चैतन्य महाप्रभु जी का जो प्रेम धर्म है वो सबसे श्रेष्ठ है। और वो कैसे, तो इसकी व्याख्या करके बता रहे हैं कि अभी हम देख रहे हैं जगत में बड़े बड़े संप्रदाय, चाहे वो प्रमाणिक हो या अप्रमाणिक हो, उनसे अगर पूछा जाए कि भगवद गीता में सबसे श्रेष्ठ श्लोक क्या है, श्रेष्ठ धर्म क्या है, सबसे श्रेष्ठ श्लोक क्या है, तो भगवद गीता का बताएंगे कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा सुचा। कि तुम सारे धर्मों को त्याग कर, भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में, तुम सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो इस
बताया गया कि भगवान कह रहे हैं कि सारे धर्मों को त्याग के, माता पिता घर में, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं कुछ हूँ, सारे धर्मों का त्याग कर दो और किसकी शरण में आ जाओ, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, जो भी तुमने सारे पाप किए तुम्हें मुक्त कर दूंगा, ये भगवान कह रहे हैं। तो क्या ये सर्वश्रेष्ठ धर्म है, सारे धर्मों को त्याग करके भगवान की शरण में आ जाओ? तो बताएंगे नहीं, ये सर्वश्रेष्ठ नहीं है। क्यों? जबकि सारे प्रमाणिक जो संप्रदाय है वो भी कह रहे नहीं ये तो सर्वश्रेष्ठ है, कह रहे नहीं ये सर्वश्रेष्ठ नहीं है। जो राय रामानंद संवाद है ना, इसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु वो स्वयं कह रहे हैं कि नहीं, एहो भाई, ये भाई ये नहीं, ये प्रमाणिक नहीं है, ये श्रेष्ठ नहीं है, ये धर्म श्रेष्ठ नहीं। क्यों? इसका कारण इसमें क्या है, व्यापार है, मैं सारे धर्मों को त्याग करूंगा और आपकी शरण में आ जाऊँ भगवान, और आप मुझे मेरे सारे पाप नष्ट कर दोगे। तो क्या इसमें व्यापार हो रहा है, इसमें व्यापार है, उसमें क्या है, व्यापार की भावना है, कोई सेवा की भावना है नहीं, तुम मुझे ये दो मैं तुम्हें दूंगा, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने बोला है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है, व्यापार हो रहा है। इसमें कोई प्रेम है, हम भगवान की शरण में चले जाएंगे और भगवान हमारे पाप नष्ट कर देंगे, ये तो व्यापार हुआ। कहीं से श्रेष्ठ दिखाई दिया नहीं, देखो बड़ी समझने वाली बात है, ये कहीं से भी श्रेष्ठ नहीं है, महाप्रभु कह रहे नहीं ये श्रेष्ठ नहीं है। तो फिर पूछे श्रेष्ठ है, इससे श्रेष्ठ क्या है? तो बताया कि जो भगवद गीता से श्रेष्ठ है भागवतम। तो भागवतम में भी एक श्लोक आता है, आज्ञा गुणान दोषान मयाधिष्ठान अपि शोकम धर्मान संतज्य माँ भजे सा सतम। सारे धर्मों को बताया गया जिस आज्ञा गुणान दोषान मयाधिष्ठान अपि शोकम, जो मेरे द्वारा जो उपदेश दिए गए ना भागवतम में, भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से, जो मेरे द्वारा उपदेश दिए गए हैं उनका विचार करो कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, हैं तब विचार करके मेरी सेवा करो। तो इसमें क्या है, सेवा तो आ गई, लेकिन क्या बताया, सेवा के साथ क्या क्या गुण और दोषों का भगवान कह रहे हैं, जो मैंने बताया उसके गुण दोषों का विचार करो। तो क्या भगवान की वाणी में कभी दोष हो सकता है, हो सकता है नहीं, लेकिन भगवान तो खुद कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं कि मेरे द्वारा बताए गए जो भी है उसके गुण दोषों का विचार करके मेरा भजन करो। तो भगवान, जब भगवान के भक्तों में दोष नहीं हो सकता तो भगवान की वाणी में दोष कैसे हो सकता है? तो इसका क्या सामंजस्य है? तो बताया गया अधिकार, अधिकार के हिसाब से भगवान ने भगवद गीता में ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग सब है, लेकिन किसके हिसाब से, अधिकार के हिसाब से। एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण बताते हैं, दो मित्र हैं, दोनों ने पढ़ना एक साथ शुरू किया, पढ़ते पढ़ते वो एट्थ क्लास में पहुंच गए। अब जो एट्थ क्लास में जो एक बच्चा था वो पढ़ने में थोड़ा पढ़ नहीं पाया, किसी कारण से वो फेल हो गया। अब दूसरा बच्चा नाइन्थ में चला गया, टेंथ में चला गया, वो एट्थ में ही रहा, लेकिन दोनों में क्या है, बड़ा घनिष्ठ संबंध है। अब दोनों एक दूसरे में इतना प्रेम है कि जो टेंथ क्लास का बच्चा अपने मित्र की एट्थ क्लास की बुक आगे पढ़ता है, और जो एट्थ क्लास का बच्चा है वो टेंथ क्लास की बुक पढ़ता है। तो क्या दोनों, बताओ उनका कल्याण होगा नहीं होगा? अगर टेंथ क्लास का बच्चा कोई एट्थ क्लास के आके बुक पढ़ेगा तो क्या पास होगा? नहीं। और एट्थ क्लास का बच्चा अगर टेंथ क्लास की बुक पढ़ेगा तो क्या वो पास होगा? नहीं। तो बताएगा हमें अधिकार के हिसाब से भक्ति करनी है। अगर किसी की कर्म में आ सकती है तो कर्म करो, सीधा भक्ति में नहीं। और कोई जो भक्ति, जो अभी हम सब लोग क्या है, भक्ति में, भगवद गीता में एक बड़ी खासियत है कि अगर आपको भगवान का भजन करना है ना, आपको कोई स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि पहले मैं कर्म योग करूँगा, ध्यान योग करूँगा, ज्ञान योग करूँगा, नहीं, सीधा भक्ति योग में पहुँच जाओ। अभी हम सब लोग क्या है, भक्ति योग में पहुँच गए, ठीक है। तो हमें नीचे नहीं गिरना, नीचे की हमें एट्थ क्लास वालों की बुक नहीं पढ़नी। कोई बोलेगा ना जाके कर्म करो, अरे वहाँ जाओ नदी में कर लो, इस दिए जलाओ, चंद्रमा को दिया दिखाओ, ये व्रत रखो, वो व्रत रखो, ये हम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि अभी क्या, हम क्या है टेंथ क्लास में आ गए, अब हमें एट्थ क्लास की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, दोष। तो भगवान ये बता रहे हैं कि मेरे द्वारा बताए गए जो भी मैंने जो भी बताया उसके गुण दोषों का विचार करके, माम भजेत सा सतम, भजेत भजन का अर्थ होता है सेवा, मेरी सेवा। देखो यार सेवा तो आ गई, ये भगवद गीता से तो ऊपर है ना, इसमें भगवद गीता से तो ऊपर हो गया,
लेकिन महाप्रभु कह रहे कि नहीं, ये भी श्रेष्ठ नहीं है। भागवतम, जिसको भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, श्रीमद भागवतम प्रमाण अमृतम, सबसे श्रेष्ठ भागवतम। लेकिन महाप्रभु कह रहे हैं नहीं, ये भी श्रेष्ठ नहीं है। देखो भागवतम को भी महाप्रभु कह रहे हैं नहीं, ये भी श्रेष्ठ नहीं है। ये भी ये जो शिक्षा है ना प्रेम धर्म की, ये भी श्रेष्ठ नहीं है। तो फिर बताया क्या सबसे श्रेष्ठ क्या है, तो बताया गया जो चैतन्य महाप्रभु की जो प्रेम धर्म की शिक्षा है सबसे श्रेष्ठ है। तो शिक्षा अष्टकम, महाप्रभु जी ने जो 8 श्लोक दिए उसका जो सबसे अंतिम श्लोक वो क्या है, 8वां, आसीदस्य वो पदार्थम पुनश्च माम मदस बर्मता करोति वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो न प्राणस्तु न पारं सर्व न पारं। तो इसमें बताया गया है कि गोपियाँ क्या कह रही है भगवान कृष्ण से कि आप हमें प्रेम करो ना करो, है ना, हमारा आलिंगन करो ना करो, हमें मानो या ना मानो, हमारे सामने दूसरी स्त्रियों का आलिंगन करो, तुम क्या लंपट हो कुछ भी करो, लेकिन तब भी हम तुम्हें ही प्रेम करेंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो वास्तविक देखो ये प्रेम है। जो भागवतम में बताया गया ना गुण दोषों का विचार, उसमें क्या बताया गया, एक स्त्री है वो क्या कह रही है, मेरा पति बहुत धनवान है, मेरा पति बहुत सुंदर है, मेरे पति की बहुत अच्छी जॉब है, वो डॉक्टर है इंजीनियर है, पर जैसे ही उसका डॉक्टरी छूट गई इंजीनियरिंग छूट गई वो गरीब हो गया कुरूप हो गया, क्या उस स्त्री का प्रेम रहेगा, नहीं, फिर वो प्रेम घट गया। तो इसलिए बताएगा वो प्रेम श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन यहाँ गोपियाँ क्या कह रही है कि नहीं, तुम जैसे भी हो कुछ भी करते हो तुम हमारे प्रिय हो। तो बताएगा सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है, चैतन्य महाप्रभु जी ने दिया है। देखो इसका एक साक्षात उदाहरण दिया गया, लक्ष्मी ने लक्ष्मी जी नारायण की, लक्ष्मी नारायण, नारायण और भगवान में कोई तत्व तो कोई भेद नहीं है। लेकिन लक्ष्मी जी ने क्या किया, वो नारायण को छोड़ के कहाँ गई, ब्रज में वृंदावन में आ गई। क्यों, भगवान की कृष्ण की रासलीला में प्रवेश चाहती है, भगवान कृष्ण का संग चाहती है, वो नारायण को छोड़ दिया। तो क्या सब ये प्रेम हुआ, वो नारायण को छोड़ के आ गई, कहाँ गई, ब्रज में छोड़ के आ गई नारायण को छोड़ के। तो बताया गया ये प्रेम नहीं है। लेकिन और वही देखो नारायण, जब गोपियों ने रासलीला में भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो गए तो भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए गोपियों के सामने, और गोपियां घूमते हुए आ रही हैं और पूछ रही हैं कि आपने कृष्ण को देखा, वो नारायण को देख भी नहीं रही, ये नहीं बोल रही अरे वाह ये तो नारायण, छोड़ो उस ग्वाले को, ये देखो चतुर्भुजी इतने ऐश्वर्यशील नारायण, नहीं, गोपियों ने देखा तक नहीं नारायण की ओर, पूछ रहे कि भाई आपने कृष्ण को देखा और चली गई, मतलब नारायण का ऐश्वर्य भी फेल हो गया, कोई मतलब ही नहीं नारायण से। तो सर्वश्रेष्ठ जो शिक्षाएं, जो प्रेम धर्म की जो शिक्षाएं बताई गई है वो किन्होंने प्रदान की, महाप्रभु ने। तो हम जैव धर्म जो है ना ये हमें बताएगा कि सर्वश्रेष्ठ जो धर्म है वो क्या है, और प्रेम धर्म क्या है, महाप्रभु का प्रेम धर्म क्या है। इससे बहुत सारी चीज़ें हमें आगे आगे सीखने को मिलेगी, बहुत सुंदर ग्रंथ है, और हमारे अगर हमने इसे सीख लिया ना, थोड़ा सुन भी लिया, थोड़ा समझ लिया, हमारे सारे तत्व सिद्धांत सुनने मात्र से, समझने की तो दूर की बात है, सुनो सुनने से ही ये हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। ठीक है, यही बोल के मेरी वाणी को शांत करो, वही शांत करो। हाँ देखो, लक्ष्मी ने नारायण को छोड़कर कृष्ण को भजन के लिए आए, आई तो किस लिए आई ये मत समझो। अरे लक्ष्मी इसी जगत में जैसे एक स्त्री, अभी उन्होंने उदाहरण दिया ना, जैसे पति अगर गरीब हो गया, धन दौलत चला गया और उसको छोड़ करके और कहीं चली गई, क्या लक्ष्मी नारायण को छोड़ करके जब कृष्ण भजन के लिए आई क्या ऐसे, बोले नहीं, क्योंकि जो कृष्ण और नारायण में कोई फर्क नहीं वो एक ही है, लेकिन जो नारायण में ऐश्वर्य प्रकाश है और कृष्ण में माधुर्य प्रकाश है, हैं, इसलिए कहते नारायण और कृष्ण में कोई फर्क नहीं, वो एक ही तत्व है, हैं, इसलिए कृष्ण जैसे उदाहरण देते चंद्रमा, जैसे पूर्णिमा का दिन चंद्रमा वो पूर्ण चंद्र है, लेकिन वही चंद्रमा जैसे एक एक कला घटती है ना, प्रथमा द्वितीय तृतीया में एक एक कला घटती जाती है, लेकिन चंद्रमा वही है, एक ही चंद्रमा, लेकिन चंद्रमा वही। उसी तरह जब संपूर्ण माधुर्य सौंदर्य रूप अगर किसको अंदर पूर्ण रूप में प्रकाश पाता है वो कृष्ण चंद्र है, एक पूर्ण चंद्रमा, यही कृष्ण। इसलिए कृष्ण गीता में कहते ना, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अद्भुतान मधर्मस्यम तदात्मान सृजाम मिले अर्जुन। जब जब इस जगत में हैं साधु संतों के ऊपर में गो ब्राह्मण पृथ्वी को ऊपर में स्त्रियों को ऊपर में अत्याचार होता है, तब तक मैं जगत में जन्म ग्रहण करके दुष्टों को विनाश करता हूँ और भक्तों को मैं पालन करता हूँ। कौन करता है ये, कौन कह रहा है ये बात? अरे कौन कह रहे हैं? ये कृष्ण कह रहे हैं। इसलिए ये कृष्ण ही, ये जब जरूरत होता है राम रूप में आते हैं, यही कृष्ण ही जब जरूरत होता है नारायण रूप में आते हैं, यही कृष्ण जब जरूरत होता है नरसिंह रूप में आते हैं, यही कृष्ण का जब जरूरत होता है ये अलग अलग रूप में कृष्ण ही आते हैं। इसलिए नारायण और कृष्ण में कोई फर्क नहीं, वो एक ही तत्व रहा, लेकिन दिखाते हैं कृष्ण के अंदर में इतने माधुर्य है। लक्ष्मी अगर कृष्ण की माधुर्य जब तक सुनती है उसकी मन में भी इच्छा हो जाती है मैं कृष्ण के साथ में मैं रास रचा। ठीक है, बोलो हमारे प्रभु जी तो एकादशी का जो था उसको जो तुमने यूट्यूब में निकाला था उसमें निकल था, बोलो जगाई मधाई का था, जगाई और माधाई। हाँ हरे महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात अपने परम गुरुदेव जय नित्य लीला परभीष्ट और सुपादष्ट तत्सत श्री श्रीमद भगवान श्री गुरु सिद्धांत गोस्वामी जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव के सभी के श्री चरणों में यथावधि प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव का आदेश हुआ है, कुछ कहने का मेरी योग्यता नहीं है कहने की, फिर भी गुरुदेव के आदेश का पालन करते हुए मैं कुछ बोलने का प्रयास करूँगा। गुरुदेव से प्रार्थना है कि मैं जहाँ भी त्रुटि करूँ मुझको सुधार करने की कृपा करें। कल गंगा जी नहान कौन कौन गए थे परीक्षित? कम लोग गए थे, सभी नहीं, बहुत सारे लोग गए। तो वहाँ पर जीत प्रभु ने बहुत सुंदर एक कथा सुनाई थी कि हम लोग गंगा जी नहाने क्यों जाते हैं, अपने पाप धोने ऑब्वियसली सीधी सी बात है, या और कुछ भी करने जाए, कोई सब पापी धोन जाए। लेकिन हमारे जो भक्त लोग है ना, इसका अगर पाप है ये तो सबके सब देवता लोग, देवत सब देवता लोग भी तकलीफ में ये महाप्रभु धारणा आकर के भक्ति करना चाहते हैं। इसलिए भागवत का किताब संस्करण में बताया देवता लोग भी तकलीफ में ये चैतन्य महाप्रभु धारा में आकर के भक्ति करना चाहते हैं। कभी केवल देवता नहीं, महाप्रभु धारा में जन्म लेकर के भक्ति करना चाहते द्वापर युग में है भगवान सत्य युग में सहसा अवतार में आए, तृतीय युग में राम रूप में कृष्णा अवतार में उन्होंने तो प्रेम दिया सबको, लेकिन उसमें कुछ कभी रह गई, वो जो कभी रह गई उन्होंने प्रेम नहीं किया, वो पियों की भाव बंधे की भाव नहीं किया, ये महाप्रभु जनता दस स्तर में बनना था है। इसलिए आप लोग साधारण नहीं हो, जो ये टीका लगाए तिलक लगाए गले में कंठी और जो बाला जल कर दो भागवत खुद कहता है तुम लोग देवता से भी बड़े हो, देवता से भी बड़े हो, तो अभी हरिनाम कर रहे हो बाला जल कर रहे हो, आप लोग के पास नहीं गए थे, फिर गए थे देवता भगवान की चरणा करते रहे और उसमें स्नान करने से हमें भक्ति मिलेगा, ठाकुर जी की चरण हमें ना। तो इसमें ये तो गुरुदेव ने बिल्कुल सत्य बताया कि जो ये करते हैं कि करते हैं, पर आप लोग तो कुछ थोड़े से, पर जो वहाँ बहुत सारी भीड़ थी, जो अच्छा जो बहुत सारी भीड़ थी वो सब यही कार्य, जो संसार के लोग थे बहुत अन्यथा आ रहे थे, पूरी भीड़ आ रही थी, वो यही लोग यही कार्य करने आ रहे थे अपने पाप धोने, पर जब गंगा जी में वे पाप धोकर जाती है तो गंगा जी प्रसन्न करती है किससे? भगीरथ जी से। क्या प्रश्न करती है कि
मैं मृत्यु जगत में आ तो जाऊंगी, पर जो संसारिक लोग होंगे वे मुझ में अपने सारे पाप तो करेंगे खुद और धोने देने मुझे आएंगे, तो मैं क्या करूंगी उन पापों का, मेरा तो सर्वनाश होगा। तो भगीरथ जी इसके फिर वो प्रश्न ब्रह्म जी से करते हैं भगीरथ जी, तो भगीरथ जी उसका प्रश्न दे रहे हैं कि तुम इससे निश्चित हो जाओ कि संसार के लोग तो पाप करेंगे पर उनका उद्धार तुम करोगी, पर जो तुम्हारा उद्धार होगा ना, जो स्वयं भगवान के भक्त होंगे, भगवान जिनके हृदय में विराजमान होंगे साक्षात वे वैष्णव, जब तुम्हारे अंदर स्नान करेंगे वे तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो इसमें जीत प्रभु जी बहुत सुंदर बात बता रहे थे कि क्या वैष्णव लोगों को ये घमंड है कि हमें गंगा जी में नहाना नहाने गंगा जी का उद्धार करेंगे, है किसी का विचार ऐसा? क्या वैष्णव लोगों का ये घमंड है कि हम अगर गंगा जी में नहाएंगे तो गंगा जी को पवित्र कर देंगे? इसमें जीत प्रभु बहुत सुंदर विचार बता रहे थे कि जिस समय वैष्णव लोग गंगा जी का दर्शन करते हैं तो उनके हृदय में वो अनुभूति स्फुट हो जाती है, जैसे आप एक लोहे को आग के पास ले जाओ, लोहा धीरे धीरे तपने लगता है, गर्म होने लगता है, वो इतना गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि अगर ठंडे जल में गिरा जाए तो ठंडे जल को भी गर्म कर देता है। आप कच्चे दूध को जब तपाते हो तो उसके अंदर कितने बैक्टीरिया जो है वे सब विनाश हो जाते हैं, तो क्या उसके अंदर रहते हैं? नहीं रहते। एक पानी का गिलास, गुरुदेव बताते हैं एक पानी के गिलास में इतने बैक्टीरिया होते हैं कि इस पृथ्वी पर इतने लोग नहीं हैं, इतने बैक्टीरिया गिलास में। जब उस पानी के गिलास को आप गर्म करते हो क्या उसके अंदर बैक्टीरिया फिर मिलता है? नहीं मिलता, वो खत्म हो जाता है। उसी प्रकार जब वैष्णव लोग उन गंगा जी को देखते हैं जो स्वयं भगवान के साक्षात श्री चरणों से निकलती है, इनके हृदय में वो भाव स्फुट होता है कि इनके शरीर पूरा रोमांच हो जाता है। उस रोमांच के साथ जब उस गंगा जी में स्नान करते हैं, उस गंगा जी के अंदर जितने पाप होते हैं वे उसी प्रकार एकदम झट एकदम विनाश हो जाते हैं, जैसे एक गिलास में से बैक्टीरिया विनाश हो जाता है। ये जीत प्रभु ने एक बहुत सुंदर विचार बताया था, ये मैं दोबारा बताने का प्रयास कर रही हूं, कुछ गलती बोले क्षमा करना। तो इसमें ही कल गंगा जी थे, उसी में ही एक सिद्ध चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक लीला आती है कि अगर उस लीला को सुनेंगे तो आपको गंगा स्नान का पूरा फल मिलेगा, वो आती है जगाई मदाई उद्धार की लीला। तो प्रभु जी ने बताया था एक बार कि महाप्रभु जब इस जगत में आए तो उनके आने के दो कारण थे, मुख्य और गौण। मुख्य में भी दो कारण थे, मुख्य का मुख्य, मुख्य गौण, और गौण के भी दो कारण थे, गौण का मुख्य और गौण का गौण। तो जो गौण का मुख्य कारण है वो है हरि नाम संकीर्तन प्रचार के लिए महाप्रभु आए थे। तो उसी हरि नाम संकीर्तन प्रचार को आगे बढ़ाते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने जो नित्य परिकर है साक्षात उनके वे कह रहे हैं मेरे ही अंग है नित्यानंद प्रभु, और श्री हरिदास ठाकुर जी को कहा कि अब तुम जाओ दोनों प्रचार के लिए, हरि नाम का प्रचार करो, सभी को ये प्रेम प्रदान करो। तो वे श्रीमद नित्यानंद प्रभु और हरिदास जी भगवान जी का आदेश पालन करते हुए, उनके आदेश को सिरोधार्य करते हुए उनके भगवान के हरि नाम का प्रचार करने के लिए निकल पड़े। कुछ दिन तक हरि नाम का प्रचार करते करते वे कोई एक स्थान पर पहुँचे तो उन्होंने कुछ ही दूर देखा कि गंगा के निकट दो व्यक्ति शराब पीकर धूत नशे में पड़े हैं और आपस में लड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। कि महाप्रभु चैतन्य नित्यानंद प्रभु को देखते ही उन पर दया आ गई कि ये इतने पतित है, इतने ऐसे अवस्था में अगर इनको हम भगवान का नाम दें तो इनका उद्धार निश्चित ही हो जाएगा। तो उन्होंने उनके बारे में जो आसपास के लोग थे उनसे पूछा कि ये दोनों लोग कौन है और ऐसा कैसे हो रहा है। तो वहाँ के लोगों ने उनके बारे में बताया कि ये दोनों ब्राह्मण कुल के हैं, इनका जाति बहुत श्रेष्ठ है, ये पहले बहुत ही अच्छे थे परंतु दुष्ट संघ के कारण इनकी ऐसी प्रवृत्ति हो गई है जिससे ये दूसरों को कष्ट देना, किसी के घर में आग लगा देना, रास्ते में जो भी जा रहा है उसको लूटपाट कर लेना, ऐसे ऐसे मतलब कि जितने भी पाप है ये सब करते रहते हैं। और जिस रास्ते में ये होते हैं वहाँ से कोई भी साधारण या बच्चा कोई वहाँ से निकल नहीं सकता। तो जब नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि मेरे प्रभु का नाम तो पतित पावन है, अगर इन जैसे पतित पावन का उद्धार नहीं किया तो फिर मेरे प्रभु का नाम पतित पावन होना किस काम का। तो उन्होंने जब मन में ठान लिया तो हरिदास जी को कहने लगे, हरिदास चलो आज इनको हम भगवान के नाम भगवान का नाम प्रदान करते हैं, इनको सुनाते हैं। तो हरिदास ठाकुर जी कहने लगे चलो। तो जब वे उनके पास जाकर उनके सामने देखने लगे तो जब वे जाने लगे तो लोगों ने उनसे कहा कि आप दोनों साधु हैं, आप उनके पास नहीं जाए, क्योंकि वे साधुओं का सम्मान नहीं करते, ना ही वे मानते, बल्कि उनको देखकर और क्रोधित
हो जाते हैं, उनको ये नहीं पता कि साधारण व्यक्ति कौन है, साधु कौन है। आप जाएंगे तो शायद आपके साथ भी कोई अनहोनी हो सकती है। तो जब उन्होंने उनकी बात को अनसुना कर उनको उद्धार करने के लिए उनके पास चल गए। जब वे जगह मदाई के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा, भाई आप बोलो एक बार कृष्ण कृष्ण बोलो। जब उन्होंने ऐसा अपने कानों में सुना तो वे दोनों बहुत ही अंगारे भरी आंखों से उन दोनों की तरफ को लगाए और उनकी तरफ क्रोधित अवस्था में देखने लगे। जैसे ही देखे तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी डर गए कि अब तो शायद ये हमें मारने के लिए आएंगे। इतना सोचते हैं कि वे दोनों उनके पीछे उठकर भागने लगे। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी भी वहाँ से भागे और वे बहुत जोर से भागने लगे। वे भी जगह में था भी, वे दोनों नहीं रुके, वे भी उनके पीछे भागे। वे नशे में धुत होने के कारण उनके पीछे लड़खड़ाते हुए भाग रहे थे। कुछ दूर जाकर वे लुक गए और नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी श्रीमद महाप्रभु के पास आ गए और वहाँ पर आकर हरिदास ठाकुर जी ने चैतन्य महाप्रभु जी को वह सारा वृतांत बताया कि आज आपने किस अवधूत को मेरे साथ भेज दिया, आज तो ये हमें मरवा देता, ये दूसरे का उद्धार क्या करता, आज तो हमारा ही हरिबोल हो जाता। तो सारी जब बात उन्होंने बताई तो उन्होंने कहा, अगर वे दोनों कौन जगाई मदाई यहाँ पर आ गए तो मैं उनका वध कर दूंगा, तो उनका वध कर दूंगा। या चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु से कहा कि जब तक वे लोग यहाँ पर रहेंगे हम प्रचार के लिए नहीं जा सकते। यही बात सुनकर चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से कहा कि जब तुमने उनके उद्धार के लिए बारे में सोच लिया है तो उनका उद्धार निश्चित ही हो गया है। कुछ दिन के बाद उन जगाई मदाई ने अपना डेरा चैतन्य महाप्रभु जी के निवास के जहाँ रहते थे उसके समीप ही डाल दिया। जब एक दिन नित्यानंद प्रभु घूमते हुए जा रहे थे तो वे जान पूछकर उसी तरफ से निकले जिस तरफ जगाई मदाई बैठे थे। जब वे उस तरफ से निकल रहे थे तो पास में निकले तो उन्होंने जगाई मदाई ने पूछा कि तुम कौन हो। उन्होंने बाल्यावस्था में हर्ष प्रयास में कह दिया कि मैं तो पागल हूँ। तो उनका क्या तू हमारा मजाक उड़ाता है, अभी रुक तुझे बताते हैं हम। इतना कहते ही मदाई ने एक शराब से भरा हुआ मटका नित्यानंद प्रभु जी के सिर पर फोड़ दिया जिससे नित्यानंद प्रभु जी का सिर फट गया और उनके सिर से रक्त की धारा बहने लगी। ये दृश्य वहाँ के आसपास लोग देख रहे थे, उन्होंने भागकर तुरंत चैतन्य महाप्रभु जी को बताया। चैतन्य महाप्रभु जी यह सुनकर बहुत क्रोधित हुए और तुरंत अपने परिकरों के साथ वहाँ पर आकर उपस्थित हुए और उनको यह देखकर उनको बहुत क्रोध था और ये देखकर वे अपने चक्र का आह्वान करने लगे। जब उन्होंने चक्र का आह्वान करा चक्र तुरंत प्रकट हो गया। इस दृश्य को सिर्फ नित्यानंद प्रभु और उनके परिकर ही देख रहे थे और जगाई मदाई देख रहे थे। जैसे चक्र प्रकट हुआ तो नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करी, हे मेरे प्रभु, आपका अवतार इस जगत में किसी का वध करने के लिए नहीं हुआ है, आपका अवतार इस जगत में सभी का उद्धार करने के लिए है, वो भी हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। आप इनको क्षमा करो और जबकि इसमें से जगाई ने तो मेरी सहायता ही की है, आप उसका तो कल्याण करो। इतना सुनते ही महाप्रभु ने जगाई को अपने गले से लगा लिया और उसको प्रेम पूर्वक आलिंगन किया। इतना करते ही जगाई कृष्ण प्रेम में मद होकर हरि बोल करते हुए नाचने लगा। जब मदाई ने यह दृश्य देखा तो वह भी महाप्रभु से बोला कि हम दोनों तो साथ में एक साथ पाप किए हैं, आपने एक पर कृपा करी मुझ पर किन गई। मैंने तो सुना है कि शास्त्रों में जब भी आप पर कोई अत्याचार करता है या आप पर प्रहार करता है आप उसका उद्धार निश्चित ही करते हैं। तो इसे यह सुनकर क्रोध से भरकर चैतन्य महाप्रभु बोले कि अगर वह वो प्रहार करता है अत्याचार करता है मेरे ऊपर करता है, परंतु तूने तो मेरे प्राणों से भी प्रिय नित्यानंद के ऊपर प्रहार किया है, मैं तुझे कैसे माफ कर दूं। तो इस पर महाप्रभु उस पर चैतन्य नित्यानंद प्रभु ने कहा कि हे प्रभु, अगर मैंने कभी अपने इस जिंदगी में कोई भी सुकृति की हो तो मैं वह सुकृति इस मदाई को देता हूँ, आप कृपा करके इस पर दया कीजिए। नित्यानंद प्रभु की यह बात सुनकर महाप्रभु द्रवीभूत हो गए और उन्होंने उन दोनों को कहा कि आज तक जो भी तुमने जितने भी पाप किए हैं मैं सब वह ग्रहण करता हूँ और आज के बाद से तुम ये कोई भी पाप नहीं करना और नित्य ही भगवान का हरिनाम संकीर्तन करना। इतनी बात सुनते ही दोनों भगवान के इस करुणा वात्सल्य को देखकर और गदगद होकर भावीभोर होकर वहीं पर गिर गए। तो जब महाप्रभु ने
वहाँ के लोग थे उन सबसे कहा कि आज से इन सब लोगों का जो भी कोई जिन इन पर जिनकी परछाई पड़ जाती थी वे सब लोग स्नान करने जाते हैं, परंतु आज से ये दोनों वैष्णव हो गए हैं। इनका नाम या इनकी कथा जो कोई भी सुनेगा उसको गंगा स्नान का फल मिलेगा, ये स्वयं महाप्रभु ने वहाँ सब लोगों को कहा। तो ऐसे ही सुनकर वे दोनों वहाँ से खड़े, मूर्छा उनकी खुली, वे दोनों खड़े, उन्हें तुरंत चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ लिए और उनको कहा कि हमने तो बहुत सारे अपराध किए, बहुत सारे वैष्णवों को दुखी किया है, हमारा इससे किस प्रकार उद्धार होगा, आप हमें करके कृपा करके इस चीज़ का उपाय बताइए। जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम दोनों यहीं पर गंगा घाट के निकट की रहकर यहाँ पे स्नान करना, घाट की सफाई करना, और जितने भी संत लोग वैष्णव लोग या जो भी लोग यहाँ पर स्नान करने के आए उन सबको आप धनवत प्रणाम करके तथा उनके चरणों की धूली अपने सिर पर लगाना, इस प्रकार निरंतर करने से तुम्हारे जितने भी अपराध हैं वे सब नष्ट हो जाएंगे। तो इसमें चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं कि हमें कभी भी किसी भी वैष्णव के चरण में अपराध नहीं करना चाहिए। वांछा कल्पते कृपा से गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सलालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोदश भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि धन्यवाद अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोदश भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत करता हूँ। महाप्रभु सहित समस्त गौर परिकर एवं समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हो, उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी आप सभी को यथा योग्य दंडवत करता हूँ। आज से निर्जला एकादशी है, सुंदर दिन है, एकादशी की एकादशी के विषय में तो सब बता ही दिया है, लेकिन इसकी शास्त्रोक्त परिभाषा क्या है एक बार वो और सुन लीजिए। एकादशी मतलब एकादशी का उपवास, उपवास मतलब उप और समीपे, उपस्थितौः श्री कृष्णौः सामीप्य प्रदायते तेनः सह कृपा संगेह इति उपस्थितः तेनः उपवासः। जिस क्रिया से श्री भगवान के दिव्य सामीप्य को पाया जा सकता है उसको उपवास कहते हैं। और एकादशी मतलब और उसका देखो एकादशी उपवास ये पूरा अपने आप में कंप्लीट डेफिनेशन है। एकादशी मतलब दसों इंद्रियों, दसों हमारी पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां और उनका राजा मन, उन समस्त इंद्रियों के सहित श्री कृष्ण के उपसमीपे भगवान के समीप रहने का व्रत ही एकादशी व्रत है। एकादशी का बहुत सारी कथाएं महात्म्य ये सब हैं, लेकिन साइंटिफिक रीजंस भी हैं उसके पास। देखो एकादशी का व्रत क्यों करते हैं हम, शास्त्रों पद्धति तो जो है वो तो आपको पता ही लग गई, गुरुजी ने बताया सारे के सारे सिंस इसके अंदर जो है प्रवेश कर पाप प्रवेश करते हैं और सब ये सब। लेकिन इस दिन क्या होता है, एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक ये पांच दिन जो होते हैं और अंदर दिन के अंदर समुद्र के अंदर ज्वार उत्पन्न होता है। जब ये ज्वार उत्पन्न होता है तो इसके अंदर इसकी बॉडी इफेक्ट डायरेक्ट टिंडल इफेक्ट करती है। ये क्या होता है, हमारे पेट के अंदर देखो कितने प्रतिशत जल है और कितने प्रतिशत अंश है ये सब मैटर करता है। तो जो जल तत्व है वह सूख जाता है और जब वह सूख जाता है फिर जठराग्नि को दिक्कत होती है। हम लोग इसको अनुभव तो नहीं कर पाते लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या। लेकिन केवल एकादशी व्रत ऐसा है कि पहले दिन एकादशी से लेकर के पूर्णिमा पांच दिन में से एक दिन पहले यदि पूरे के पूरे दिन हम लोग जैसे एकादशी करते हैं तो बहुत कम अल्प लेते हैं। पर आजकल तो एकादशी का फंडा ही बदल गया है, किचन के अंदर बहुत बढ़िया सी महक आ जाए तो बोल देगा क्या है, बोले आज तो कोई व्रत होगा, उत्सव होगा, नहीं आज तो कोई व्रत होगा, आजकल तो ये सब फंडे ही चल रहे हैं। लेकिन वास्तव में एकादशी का वास्तव में जो नियम है, एकादशी का मतलब है, एकादशी का मतलब जो नंद बाबा ने एकादशी करी थी बिल्कुल आहार को छोड़ करके एकादशी होती है। एकादशी एक दिन का व्रत नहीं होता, एकादशी तीन दिन का व्रत होता है। दशमी को सांझ जो है उसका जो भोग प्रसाद है वो स्किप किया जाता है, पूरी एकादशी का प्रसाद स्किप किया जाता है और उसके बाद पारायण किया जाता है एक हल्के से, जो द्वादशी का पारायण
पारायण होता है केवल हल्के से। तो ये त्रिदिवसीय पारायण, त्रिदिवसीय व्रत ही एकादशी का व्रत है। महारानी कश्मीर श्रीधाम वृंदावन में रहती थी, महारानी कश्मीर, महारानी कश्मीर को श्री भगवान के दिव्य चरणारविंदों में प्रेम और उनको भगवान से प्रीति केवल और केवल एकादशी व्रत से ही हुई है। केवल एकादशी व्रत से ही उनको प्रीति हुई है। जब महारानी कश्मीर चलती तो एक बार क्या हुआ, बहुत गर्मी में वे चलती, तो जब इतनी जेठ की गर्मी, जब बालू तपी होती नीचे तो चलती, तो फिर उनसे पूछा जाता, ब्रजवासी पूछते, रानी तू तो रानी है, तू अब यहाँ पर क्यों जा रही है? तो वो क्या कहती, वो कहती कि गर्मी रूपी दूती सूचना लाई है कि राधा रमण को पंखा झरने जा रही। श्री राधा रमण को पहले क्या होता था, आजकल तो लाइट सिस्टम हो गया, पहले क्या होता था मंदिर में एक बहुत बड़ा पंखा सा व्यजन जो है वो ऊपर लगा दिया जाता था और उसकी रस्सी रहती थी और कोई भी आता था तो सेवा करता था, उस रस्सी को हिलाता था तो वो रस्सी से पंखा होता था सीधे भगवान के पास पहुंचता था, है ना, सीधे के सीधे भगवान के पास। देखो हम अपना कल्याण स्वयं ही चाह सकते हैं, हमारा कल्याण हम अपना, गुरुजी कहते हैं कि देखो गुरु कृपा करे, गोविंद कृपा करे, लेकिन 70% व्यक्ति स्वयं का कल्याण स्वयं ही करता है, स्वयं का कल्याण व्यक्ति स्वयं ही करता है। अब मेरा एक दोस्त, अब बता, देखो लिखा है कि जाके प्रिय न राम वै देही तजिए ताई कोटि मेरी सम यद्यपि परम सनेही। जिसको भगवान प्रिय नहीं है उसको छोड़ देना चाहिए। कई कई बार कैसा होता है, किस कईयों को पता होता है एकादशी का महात्म्य, एकादशी में क्या क्या महत्वपूर्ण तिथि है, लेकिन वो जानबूझ के व्रत नहीं करते क्योंकि खुद का कल्याण। अरे जो खुद स्वार्थी नहीं है, स्वार्थी और अध्यात्म में स्वार्थी होना पड़ता है और संसार में स्वार्थी होते हैं तो शायद अपराध सा लगता है, लेकिन अध्यात्म में हमें स्वार्थी होना ही पड़ता है और चतुर भी होना पड़ता है। लोग कहते हैं चतुर है ये लड़का, लेकिन होना पड़ता है। और चतुर कौन है, राम भजैते चतुर नर, जो भगवान का भजन करता है वो चतुर नर है। इस कारण से अब मेरा एक दोस्त था, उसको पता सारी बातें बता देती है, एकादशी ऐसे एकादशी, खूब एकादशी करी उसने। एक दिन महाराज उसका साला आ गया घर में। अब साला आया उसका, तो अगले दिन मेरे को उसके घर जाना था, तो मैंने पूछा उससे कल तो तुमने एकादशी करी होगी, तो बोला कि नहीं एकादशी नहीं कर पाया। मैंने कहा क्यों यार, एकादशी क्यों नहीं कर, सच्ची बात, बोले एकादशी नहीं कर पाया। मैंने कहा यार क्यों एकादशी क्यों नहीं कर, कहता कि साला आ गया था। तो मैंने कहा साला आ गया था तो कहता है सारी खुदाई एक तरफ, बीबी का भाई एक तरफ। मैंने कहा यार ये बहुत बढ़िया बात है, तुम अपना ही कल्याण विचार हो, तो बताओ पनीर शाही पनीर खाया यार। तो ऐसे ऐसे कुछ महा मूर्खाधिपति होते हैं, मूर्ख कोई मूर्ख चक्र चूड़ामणि होते हैं जिनको अपना कोई कल्याण नहीं, कोई कल्याण नहीं लेना। एकाद देखो, यदि आप मंगलवार का व्रत नहीं करते तो कोई पाप नहीं लगता, यदि आप सोमवार का व्रत नहीं करते कोई पाप नहीं लगता, यहाँ तक कि शिवरात्रि नहीं करते तो भी कोई पाप, लेकिन एकादशी आप नहीं करते हैं तो आपको पाप लगता है, अपराध लगता है, लगता है, लगता है, इसमें कोई शंका नहीं है। अपना कल्याण हमें स्वयं ही करना होगा। एकादशी एक दिन का व्रत होता है, उसमें खेचा तानी करके बस सारा दिन चिंतन, मैं तो अपना सारा दिन चिंतन होता है। अभी भी थोड़ी देर पहले देख रहा था तो जैसे फेसबुक अपडेट्स होती है, तो जैसे इंस्टा अपडेट्स होती है, तो ऊपर ऐसे स्टोरीज होती है, ऐसे ऐसे चलती है ऐसे ऐसे, तो मेरे को अब भोजन पसंद है तो वो स्टोरीज तो ऊपर लिखा था फूड मसाला, तो उस पर ऊपर गया तो देखा कि पनीर लबाबदार कैसे बनता है। इस कारण से बता रहा हूँ, हम लोग स्वयं ही अपराधी हैं अपने कल्याण, हम लोग स्वयं ही अपराधी, अपना कल्याण स्वयं ही नहीं चाह रहे, लेकिन एकादशी इतना पुनीत पावन तिथि है ना कि श्री भगवान वास्तव में एकादशी मां भक्ति की जननी है, और इस कारण से भक्ति को प्रकट करना हो तो एकादशी तिथि अवश्य करनी चाहिए। वांछा कर पत्र अवश्य कृपास हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद्भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरणों कमल
अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नित लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत्य श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजुत प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज है पांडवा निर्जला एकादशी है। जैसे सत्ययुग में भगवान प्राप्ति का जो उपाय था बोले कृते जत धायते विष्णु। अब सुने होंगे बड़ी जैसे श्री वाल्मीकि उन्होंने ध्यान किया। ऐसे नारद बोले मरा केवल ये मरा करते 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 ऐसे तपस्या की पूरा शरीर में दीमक चाट गया। हिरण्यकश्यप का नाम सुने होंगे, एक अंगूठा के ऊपर खड़े होकर के 60,000 साल कितना 60,000 साल तपस्या की बिना खाए पिए। लेकिन कलयुग का जीव को अगर एक दिन कोई व्रत रखता है बिना खाए पिए ना, बोलो भैया ये काम कर दो, बोला आज हमने व्रत रखा है, आज हमने मतलब एक दिन भी। कारण क्या? बोले कलयुग में जो प्राण है ना, सत्ययुग में जो प्राण वो मज्जा हड्डी को बीच में जो मज्जा होता था, जब नारद जी पहुंचे वाल्मीकि को पास में देखा उनका रोम रोम से हड्डी को अंदर से श्री राम श्री राम श्री राम का नाम निकल रहा था, शरीर एकदम दिमाग चाट गया था। लेकिन कलयुग में असंभव है। त्रेता युग में था यज्ञ, रोज यज्ञ करते थे, हैं द्वापर युग में था अर्चन पूजा। लेकिन कलयुग में भगवत प्राप्ति का तो बताया, कलयुग केवल नाम आधारा, लेकिन कलयुग में साधन किया है। बोले ये एकादशी 15 दिन में एक बार ये एकादशी व्रत आती है, यही कलयुग में यही साधन। इसलिए शास्त्र में बताया माधव अतिथि भक्ति जननी जतन पालन करी। बोले कृष्ण बसती बसती बोली परम आदर भय। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते एकादशी क्या है? बोले माधव तिथि, जैसे कोई सोमवार करते हैं किसके लिए? भोले बाबा के। मंगलवार करते हैं किसके लिए? हनुमान जी के लिए। बुधवार करते हो किसके लिए? गणेश जी के लिए। फिर बृहस्पतिवार किसके लिए करते हो? लक्ष्मी के लिए। अलग अलग शनि व्रत शनिचर के लिए अलग अलग, लेकिन जो एकादशी व्रत किसके लिए कर रहे हो? बोले भगवान कृष्ण के लिए। माधव तिथि, ये माधव का तिथि है। कहते जगत में तो 33 करोड़ देवता, कितने को मनाओ बताओ? एक को मनाओ तो दूसरे मुंह फुला कर बैठ जाता है, तीसरे को मनाओ तो चौथा मुंह फुला कर बैठ जाएगा। लेकिन ये एकादशी ऐसे के व्रत है, ये भगवान बांके बिहारी का व्रत है। अगर कृष्ण अगर संतुष्ट हो जाए ना, कहते अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड जितने देवता, कहते ना जा पर कृपा हरि की होई ता पर कृपा करे सब कोई। अगर कृष्ण खुश हो गए ना, आपको किसी का भी व्रत करने का जरूरत नहीं। सोमवार मंगलवार बुधवार कोई कहते कोई व्रत करने का जरूरत है नहीं। क्यों? कृष्ण खुश हो गए तो जितने देवा देवी है वो अपने आप खुश हो जाता है। जैसे पेड़ का जड़ में जैसे पानी देने से पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है, जैसे मुंह में खाना देने से पूरा इंद्रिय आपकी काम करता है, उसी तरह जब एकादशी व्रत करते हैं जब श्री कृष्ण खुश हो जाते हैं ये 33 करोड़ देवता खुश हो जाते हैं। आप महाभारत देखे होंगे, कृष्ण जब विराट रूप दिखाया क्या दिखाया? बोला अर्जुन देख मेरे को, जिसको तुम भोले बाबा कहते हो भोले बाबा मेरे में, जिसको तुम शंकर कहते हो देखो शंकर मेरे में, जिसको तुम देवी कहते हो देवी मेरे में, जिसको तुम हनुमान गणेश इंद्र चंद्र देख ये विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में, मेरे को छोड़ करके दुनिया में कुछ है ही नहीं। जब कृष्ण खुश हो गए देवता तो अपने आप खुश हो गए, तुमको कहीं अलग जाने का जरूरत नहीं। इसलिए एकादशी ही कलयुग में यही तपस्या, कलयुग में एकादशी कहते जतन पालन पर उसको कैसे करनी चाहिए? बोले जतन पूर्वक प्रेम पूर्वक। मतलब क्या प्रेम पूर्वक कैसे करें? इसलिए इसका नाम एकादशी। एकादशी मतलब होता है 11, हाँ 11 से कहते ना एकादशी को। इसलिए हमारी 11 इंद्रियां हैं, कहते 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया और उसका राजा मन। इसलिए 11 से एकादशी का दिन क्या करनी चाहिए? हमारा जो ये एकादश जो इंद्रियों को ठाकुर को सेवा में लगा दो, जैसे कानों से कृष्ण कथा सुनो, जिह्वा से ठाकुर का नाम जप करो, आँखों से ठाकुर का दर्शन करो, हाथों से मंदिर का साफ करो, प्यार से ठाकुर का मंदिर तुलसी परिक्रमा करो, हैं
एकादश इंद्रियों को द्वारा जब हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं, यही असली एकादशी, यही असली एकादशी है, है? इसलिए कहते हम कहते उपवास। साधारण लोगों का भावना क्या, उपवास मतलब होता है भूखा रहना। आज हम उपवास रखे, कुछ खाना कहीं नहीं खा रहे। रूप गोस्वामी कहते उपवास का मतलब ये नहीं है, ये एक संस्कृत शब्द, उप मतलब पास में, वास जो भगवान को पास में जो वास करते हैं। कहते जीवात्मा परमात्मा न उपवास सब विज्ञ, जब ये जीवात्मा परमात्मा को पास में वास करते, यही उपवास। बोले परमात्मा को निकट में कैसे वास करे, जब हमारी इंद्रियों को द्वारा ठाकुर का कथा सुने, कीर्तन करे, ठाकुर का भजन, जैसे यहाँ पर बैठे हो हम, यही असली उपवास कर रहे हैं। जैसे कुछ कुछ माताएं हरि नाम कर रहे हो, ठाकुर नाम को द्वारा उनको पास में बैठे हो, कथा को द्वारा उनको पास में बैठे हो, असली उपवास है। संपूर्ण इंद्रियों को कृष्ण सेवा में लगा देनी चाहिए, ये असली उपवास है। इसलिए लेकिन उसको साथ साथ में भी आज एकादशी की, जो एकादशी का दिन अन्न भोजन नहीं करनी चाहिए। कहते पांच रबी सस्य है, पांच रबी सस्य क्या है, जैसे गेहूं से जो कुछ बनती हैं, जौ से जितना चीज बनती हैं, और गहम से जितना चीज बनती हैं, और जितने तरह का दाल और सरिषा है, ये पांच रबी सस्य आज का दिन वर्जित हो। और फल फूल खा सकते हैं, लेकिन कुछ सब्जियां हैं, आप लोग जानते हो जो सब्जी को आज नहीं ग्रहण करते हैं, हैं विशेष सब्जियों को ग्रहण करते हैं। इसलिए एकादशी का दिन ये वस्तु को हमें ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए एकादशी को बताया कल्पतरु व्रत। कौन सा व्रत है? कल्पतरु व्रत है। कल्पतरु व्रत मतलब होता है, कल्पतरु मतलब कल्प, वृक्षों के नीचे बैठ करके जो मांगो वो वृक्ष तुम्हें वही दे देता है। इसलिए जैसे सोम मंगल बुध बृहस्पति एक सप्ताह में एक आएगा, उसका एक ही फल, दो फल नहीं है। लेकिन आप, आपके पास में एकादशी ग्रंथ होगा, कोई पढ़ लेना एकादशी ग्रंथ को। कहते एक एकादशी का नाम पुत्रदा, मतलब अगर किसी के घर में बच्चा नहीं हो रहा है, पुत्र नहीं होता है, एकादशी व्रत पर घर में बैठा होगा तुम्हारा। नंद बाबा का पहले कृष्ण थे नहीं, लेकिन वो पुत्रदा एकादशी में ही कृष्ण जन्म हुए हैं। एक एकादशी का नाम इंदिरा, इंदिरा मतलब लक्ष्मी, जिसके घर में पैसा की कमी है, कहते वो एकादशी करने से घर में लक्ष्मी आती है। एक का नाम अन्नदा, जिसको घर में अन्न शस्य की कमी है, वो एकादशी कर खूब घर में अन्न आएगा, खूब अन्न आएगा। एक का नाम विजया, विजया मतलब जिसको करने से तुम्हारी कोई पराजय नहीं हो, सब जगह तुम्हारी विजय हो। एक एकादशी का नाम मोक्षदा, जिसको करने से संसार का सारे दुख कष्ट से मुक्ति मिल जाएगा। एक का नाम पापमोचनी, जिसको करने से संसार में दुख कष्ट का कारण क्या है, हमारे पाप का कर्म। कहते वो एकादशी व्रत करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएगा। पढ़ कर कभी देखना, हर एकादशी का अलग अलग, लेकिन आज का जो एकादशी है इसका सबसे ज्यादा महत्व है, सबसे ज्यादा महत्व आज एकादशी। इसलिए आज हम सुनेंगे ये, इसकी कथा मैं डायरेक्ट पढ़ता हूँ, आप लोग सुन लो। कहते जो संवाद है ये श्री भीमसेन और व्यास देव का अंदर में ये संवाद है। आज एकादशी की कितने महत्व है, पांडव निर्जला एकादशी अब सबसे बड़ी एकादशी आज है, इसकी कथा को सुन लो। कहते निर्जला एकादशी का वर्णन ब्रह्म विवर्त पुराण में श्री व्यास देव और भीमसेन के संवाद में मिलता है। आप लोग तो हिंदी समझते हो, बिल्कुल पढ़ लेता हूँ, सुन लो। बोले एक बार पांडु पुत्र श्री भीमसेन ने अपने पितामह श्री व्यास देव को पूछा, बोले हे पितामह, माता कुंती, द्रौपदी, तात युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी ये एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन भ्राता युधिष्ठिर भी मुझे यह व्रत करने को तो कहते हैं, लेकिन मुझे भी यह ज्ञान है कि एकादशी का उपवास करना यह वैदिक आदेश है, पर मुझे भूख सहन नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं ना, इसलिए भीम का नाम बृहदर, जिसका पेट बहुत बड़ा है, हैं? लेकिन मुझसे भूख सहन नहीं होता है, इसलिए मैं सभी नियमानुसार केशव की उपासना पूजन करना, मेरे क्षमता अनुसार दान धर्म करना, ये सभी करूंगा, पर उपवास नहीं कर सकता। ये सब व्रत कर सकता हूँ सारे, लेकिन उपवास मेरे से नहीं होगा। कौन कह रहे हैं ये बात को? भीम से। कृपा करके उपवास के बिना
एकादशी व्रत कैसे करना चाहिए ये विषय में आप मेरे को बताए। जब बोले तब श्री ये सब सुनकर भीम से लोगों से व्यास देव जी कहा, बोले भीम अगर नरक के स्थान पर अगर तू स्वर्ग बा भगवत धाम को जाना चाहते हो, कहते एक महीना में दो एकादशी, एक है शुक्ल पक्ष में और एक है कृष्ण पक्ष में, जो दो एकादशी कहते ये दोनों एकादशी पालन करना तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम अगर तुम पाप से नरक जाना नहीं चाहते हो, नरक से उद्धार होना चाहते हो, तुमको तो ये व्रत करना ही पड़ेगा, अर्थात दोनों एकादशी का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, जो दोनों एकादशी में अन्न नहीं लेनी चाहिए। तब भीमसेन ने कहा वर्ष में आने वाली 26 एकादशी को उपवास करना मेरे लिए असंभव है, क्योंकि हर महीने में दो दिन आएगा, 15 दिन में 12 महीना तक कितना एकादशी हो गई, 26 हो गई, कहिए जो 26 दिन में हैं, इसलिए मेरे लिए तो बहुत कठिन है, हैं मेरे लिए कठिन है। बोले रात दिन की बात क्या, मैं तो क्षण भर भी भूखा नहीं रह सकता हूँ। हाँ वो कहते हो, अभी बता रहे थे ना पहले जो एकादशी व्रत रखते थे नियम किया, एक दिन पहले रात को भजन नहीं करो और दूसरे दिन पूरा का पूरा निर्जला और जो तीसरा दिन है टाइम से अपना व्रत को खोलना है, इसको त्रय दिन बताया गया। इसलिए कहते भैया इतना तीन दिन का व्रत, कहते मेरे लिए तो भैया ये तो बड़ा कठिन है, एक दिन में उपवास करना मुझे तो खाना है, इसलिए कहते यहाँ पर क्षण भर भी भूखे नहीं रह सकता हूँ, भूख नाम का उदराग्नि मेरे उदर में नित्य प्रज्वलित रहती है, इसलिए उसे शांत करने के लिए मुझे बहुत खाना पड़ता है, इसलिए उनका नाम बृकोदर है। आप लोग सुने ना विराट राज्य में जब पंच पांडव ये कर रहे थे नौकरी कर रहे थे, भीमसेन ने कौन सा काम लिया, रोसिया का काम। बोले क्यों, बोले हर समय भूख लगता है, अगर रोसिया बनूंगा तो जब इच्छा था भोजन कर सकता हूँ। इसलिए बोले भैया बहुत हुआ तो वर्ष में एक दिन उपवास कर सकता हूँ, अगर आप कह रहे हो एकादशी करने के लिए मैं तो संभव नहीं है, लेकिन इस साल में किसी तरह से बहुत कष्ट से मैं एक एकादशी व्रत रख सकता हूँ, इसलिए आप मुझे योग्य ऐसे एक व्रत के बारे में बताइए जिससे मेरा जीवन मंगलमय हो जाए। जब ये बात बताए तब व्यासदेव कहते हैं, कहते व्यासदेव जी ने कहा देखो राजन अभी मैंने तुम्हें सभी वैदिक विधियाँ बताई है, परंतु कलयुग में कोई भी उसका पालन नहीं करेगा, इसलिए बहुत ही उच्च और सर्वहितकारक श्रेष्ठ व्रत मैं तुम बता रहा हूँ, ये व्रत सभी शास्त्रों का पुराण का सहार है, जो कोई भी शुक्ल और कृष्ण पक्ष में आने वाले एकादशी का पालन करता है वो कभी नरक नहीं जाता है। कौन कह रहे हैं, ये व्यासदेव कह रहे हैं। बोले सारे और भी तो बहुत सारे व्रत है जैसे सो मंगल, लेकिन ये जो एकादशी व्रत है अगर ये एकादशी व्रत का कोई व्रत नहीं करे कलयुग में, विशेषकर कलयुग में अगर केवल एक एकादशी व्यासदेव करें, केवल आप एक एकादशी व्रत रखते हो आपको कोई व्रत रखने का जरूरत नहीं, दोनों पक्ष में अगर ये एकादशी व्रत आपने रख दिया बस आपको बेड़ा पार, कभी तुम नर्क नहीं जाओगे हैं। जब ये बताए व्यासदेव जी के कथन पर बलशाली भीम से भय से कांपते हुए पूछा, बोले हे भगवान तो बड़ा कठिन है ये, कहते करना पड़ेगा दोनों एकादशी, एक महीना में दो एकादशी तो करना ही पड़ेगा, वो तो काम बूढ़े मैं तो एक क्षण भर भी नहीं रह सकता, ये कहते करना पड़ेगा अगर तू नरक से बचना चाहते हो। कहते हे पितामह अब मैं क्या करूँ, मास को दो दिन का उपवास करने में पूर्ण असमर्थ हूँ, कृपया आप मुझे ऐसे व्रत कहे जिससे पालन में मुझे सभी व्रत का फल प्राप्त हो जाए। अभी आप कृपा करके ऐसे व्रत का नाम बताओ जो मैं एक व्रत करूं और उसमें सारे व्रत हमें का फल प्राप्त हो जाए। तो उसके पश्चात से व्यास देव जी ने कहा ज्येष्ठ मास के हैं, ये ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जब सूर्य वृष अथवा मिथुन राशि में आता है उस समय के एकादशी का निर्जला कहते हैं। आज का जो व्रत है आज व्रत का नाम निर्जला व्रत है, आज का नाम निर्जला व्रत कहते हैं। इसी दिन जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसलिए इसका नाम निर्जला व्रत कहते हैं। इसी दिन आचमन करते हुए एक राई डूबे इतना ही जल लेकर आचमन करना चाहिए,
जब आचमन करना ना है उस समय में कितना एक राई जिसमें डूब जाए मतलब बहुत कम पानी उसमें भी उसी में ही आचमन करनी चाहिए, इसलिए करना चाहिए। इससे ज़्यादा जल पीने से मद्यपान करने का परिणाम प्राप्त होता है। इस एक एकादश में कुछ भी खाना वर्जित है, खाने से व्रत भंग हो जाता है। एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक पानी भी वर्जित है, इसलिए इसका नाम निर्जला व्रत है। इसी प्रकार व्रत का पालन करने से वर्ष की सभी एकादशी का फल इस एकादशी व्रत में ही होता है। आज का जो एकादशी अगर किसी ने रखा है, कैसे पूरा पूरा अगर निर्जला रखा, पूरा पूरा आपने निर्जला रखा, पूरा साल भर का जो एकादशी का जो फल आज का एकादशी से आपको प्राप्त हो जाएगी, इसलिए आज का व्रत निर्जला व्रत है। इति द्वादश की सुबह ब्राह्मण को जल और सुवर्ण दान करके व्रत करने का वाला आनंद ब्राह्मण के साथ ही भोजन ग्रहण करनी चाहिए। कहते जैसे एकादशी व्रत किया, व्रत खोलना पड़ता है, दूसरे दिन व्रत कैसे खोलेंगे, अपने ब्राह्मण साधुओं को यहाँ तो जल और सुवर्ण, उनको सुवर्ण दान देनी चाहिए। आप तो सुना इतना कहाँ से लाओगे, इसलिए सुवर्ण दान दे करके कहते पूर्णा जो फल मिलता है, लेकिन आपको सुवर्ण देने का जरूरत नहीं। जैसे मंदिर है ना, जैसे थोड़ी सी आटा, कोई चाल, कोई जैसे सीधा होता ना नियम है, ब्राह्मण को वैष्णव को खिला करके व्रत खोलनी चाहिए। इसलिए कल आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी जैसे सीधा देते हो थोड़ी थोड़ी यहाँ ला करके दे देना। और कहते भोजन कैसे करनी चाहिए, बोले संतो ब्राह्मण को साथ में भोजन करो, उनको साथ में भोजन करनी चाहिए। लेकिन जब हम ठाकुर को दे देते हैं ला करके, फिर उसी से तब भक्त लोग प्रसाद पाते हैं, इसलिए उसका फल मिल जाता है। इसलिए नियम है द्वादश का दिन कुछ सीधा रख करके व्रत खोलो। जैसे श्री अम्बरीश महाराज जब दुर्गाशा जी आए, बोले अहो भाग्य है साधु आए, भोजन करके अगर व्रत खोलेंगे तो पूरा फल मिलता है, तब इस घटना हुई है। कहते हैं भीमसेन, इस एकादशी व्रत से प्राप्त होने वाले पुण्य के बारे में सुनिए। आज का जो एकादशी है, कहते इसका व्रत के पुण्य कितना सुना ध्यान देकर, बोले किया, बोले केवल इस एकादशी के पालने से ही वर्ष की सभी एकादशी व्रत पालन करने का पुण्य प्राप्त होता है। आज का जो एकादशी, बोले शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु ने मुझे ये बात बताया। कौन कह रहे हैं? ये व्यास देव कह रहे हैं, ये व्रत के बारे में मेरे को बताया कौन? बोले शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु स्वयं ये बात मुझे बताया। लेकिन दुख की बात, अभी कुछ संप्रदाय का लोग है जो एकादशी व्रत को नहीं रखते, कहते ये तो अर्ना है, श्री जी का प्रसाद है, श्री जी का अर्ना है, प्रसाद ही अर्ना है। नहीं, महाप्रभु ने भगवान स्वयं उन दिन जगन्नाथ जी का प्रसाद दिया तो उनको स्तुति प्रणाम उन्होंने किया है, हैं? स्तुति प्रणाम उन्होंने किया एकादशी का व्रत का दिन। इसलिए एकादशी का दिन अर्न में गोहत्या, नरहत्या, भ्रूण हत्या, पितृमाती हत्या, ये जितने सारे पाप एकादशी का दिन अर्न में रहते हैं। कहते सारे पाप से मुक्ति का मार्ग बताया, लेकिन एकादशी का दिन जो अन्न भोजन करेगा उसका कोई उपाय, कोई मुक्ति का उपाय नहीं। लेकिन ऐसे कुछ संप्रदाय निकल गया, अपना मनमानी ढंग से गीता, भागवत, राम, वेद, पुराण से कोई जिनकी मतलब नहीं, अपना मनमानी एक मत को निकाल करके, अपना मनमानी एक मत को निकाल दिए। बोले एकादशी का दिन हम तो अन्न भोजन करते, क्यों? ठाकुर का प्रसाद है, ठाकुर का प्रसाद। आज ठाकुर खा सकते, तुम नहीं खा सकते, तुम थोड़ी ठाकुर हो, भगवान खा सकते। उस दिन नियम है ठाकुर जी के लिए अच्छा अच्छा बनाओ, ठाकुर को भोजन कराओ, लेकिन उसको रखो, दूसरे दिन उससे व्रत खोलो, उस दिन ग्रहण नहीं करनी चाहिए। हैं, कुछ लोग तो कहते एकादशी का दिन जो अन्न ग्रहण करते हैं वो कहते ना नर्क, उनको कोई नर्क जाने से कोई रोक नहीं सकता। कुछ कुछ लोग तो खुद नर्क जा रहे हैं और दूसरों को घिसटते हुए नर्क ले जाते, खुद नर्क में जा रहे हैं और उनको घिसट करके नर्क ले जाना चाहते हैं। खुद तो एकादशी व्रत नहीं करते, करने वालों को भी छुड़ा देते हैं। देखो ये बात कौन कह रहे हैं? ये व्यास देव किसको कह रहे हैं? भीमसेन को। कहा किसने? भगवान विष्णु ने ये बात बताई। क्या भगवान से कोई बड़ा हो सकता है दुनिया में? इसलिए यहाँ पर कहते हैं, कद भगवान ने बताया, जो कोई भी अन्य धर्म का त्याग करके मेरे शरण आता है वो निर्जला एकादशी व्रत पालन करते हैं, मुझे बहुत प्रिय है। भगवान कहते हैं दूसरे धर्मों को छोड़कर जो मेरे पास में आता है,
एकादशी व्रत को जो पालन करता है कहते मेरे सबसे ज्यादा प्रिय है। इसलिए उनको बताया एकादशी तिथि भक्ति जननी। क्या बताया? भक्ति की माँ। माँ मतलब क्या? माँ जैसे बच्चे को जन्म देती है, एकादशी व्रत किसको जन्म देती है? भक्ति को। एकादशी के बगैर भक्ति कभी हो ही नहीं सकता है। बोले नहीं, हम तो भक्ति करते भगवान। अरे भक्ति देने वाले थे एकादशी, तो भक्ति देने वाले एकादशी छोड़ दिया, भक्ति तुम्हारी कहाँ? वो भक्ति भक्ति कुछ नहीं, ढोंग रोके सब, वो भक्ति भक्ति कुछ नहीं है। इसलिए कहते एकादशी तिथि भक्ति जननी, मतलब एकादशी किए बगैर तुम्हारा भक्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए आप जितने वैष्णव संप्रदाय में देखो, रामानुज मध्व विष्णु स्वामी निम्बार्क, चार ही वैष्णव संप्रदाय जगत में, जो भगवान से जो संप्रदाय, हर संप्रदाय में एकादशी व्रत, सभी संप्रदाय में हैं, सभी संप्रदाय में कठोर रूप में एकादशी व्रत को पालन करते हैं। इसलिए जो कोई भी करता है निर्जला एकादशी, कहते वो निश्चित रूप में पाप से मुक्ति हो जाता है। स्मार्त विधि नियम को पालन करने से कोई भी कलियुग में उच्च ध्येय नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि कलियुग के अनेक दोष से सभी विधि नियम से प्रदूषित है। भले ही कोई विधि निषेध हो, कोई पालन करे, लेकिन कलियुग में बहुत दोष है। हे वायुपुत्र, कौन? हनुमान। वायुपुत्र भीमसेन, किसी भी एकादशी में अन्न खाना त्यज्य है, साथ ही निर्जला एकादशी में पानी पीनी भी वर्जित है। इसी व्रत के पालन से क्या फल क्या है? देखो क्या कहते हैं, सभी तीर्थ में स्नान और यात्रा को फल मिलता है, और मृत्यु के समय में भयानक जो जमदूत है, कहते उनसे जमदूत के स्थान पर उनको विष्णुदूत, सुंदर विष्णुदूत आकर के वो व्यक्ति को वैकुंठ ले जाते हैं, उसको वैकुंठ ले जाते हैं, जो आज एकादशी का एकादशी व्रत को पालन करते हैं। इसलिए उनको भगवत लोगों पर इसी एकादशी का पालन करने के जो कोई भी गोदान करता है, वो अपने सभी पाप कर्म से मुक्त हो जाता है। कोई कोई दो जिसका समर्थ हो गोदान करते हैं, करने से भी उनको पाप से मुक्त होते हैं। जब अन्य पांडु पुत्र ने इसी एकादशी के बारे में सुने और तो इसी व्रत का पालन करने का निश्चय किया। जब ये बात कौन कह रहे? विष्णु कह रहे हैं। किसको? व्यासदेव को। अरे व्यासदेव पांडव को कह रहे हैं। जब उन्होंने इसी बात को विषय पर सुने, इसको सुन करके उन्होंने क्या निश्चय किया? बोले इसी समय में भीमसेन ने भी इसी व्रत का पालन करना आरंभ कर दिया। इसलिए इसी एकादशी को भीमसेन ने एकादशी, पांडवा एकादशी भी कहते हैं। भगवान कृष्ण ने घोषणा की है, जो कोई भी इस एकादशी का दिन पुण्य कर्म करता है, तीर्थ स्नान में स्नान करता है, वैदिक मंत्र का पठन और यज्ञ करता है, कहते वो अक्षय हो जाता है। और इसी व्रत की महिमा को जो कोई भी श्रवण करता, जैसे आप लोग आज बैठकर कथा सुन रहे, व्यासदेव भगवान विष्णु स्वयं सुना रहे हैं, कहते जो व्यक्ति बैठ करके उसको श्रवण करता है, उसे अमावस्या के साथ आने वाली प्रतिपदा का दिन पितरों का दिया हुआ जो तर्पण का फल प्राप्त होता है, साथ साथ उस व्यक्ति वैकुंठ विजय और भगवत गति और जीवन में शांति और उसको सुख और समस्त समृद्धि की उसके जीवन में प्राप्त होता है। इसलिए आज जो व्रत आप लोगों ने किया है, कौन कौन निर्जला किया हो? पूरा खाए, बिना नहीं खाए भी ठीक है, बहुत अच्छी बात। आप लोगों को धन्यवाद है, निकले ताली बजाओ जो लोगों ने पूरा आज बिना खाए भी निर्जला व्रत रखे। हाँ देखो, और एक बात, जो कल है जब व्रत खोलने का जो समय है, 7:30 बजे को अंदर में सूर्य उदय के बाद में, सूर्य जब उदय हो जाए 7:30 को अंदर में, कभी कभी बोलते 10 बजे, 10:30, 9:30, लेकिन कल जल्दी है, इसलिए सवेरे सवेरे जैसे ठाकुर के लिए जैसे आज जो कोई भोग लगाया होगा, रोटी बा चावल भोग लगाया होगा, 7:30 को अंदर में उसको थोड़ा मुँह में डाल देना, ठीक है ना? उसको मुँह में डालना, कोई भी प्रसाद होगा नहीं तो भगवान भोग लगा करके, बा आज जो भोग लगाए होंगे, कुछ भी होगा, अन्न की दाना मुँह में डाल दिया तो क्या होगा, आपको व्रत आपकी खुल जाएगी, ठीक है ना? इतना अंदर में 7:30 अंदर में खोल देना। और जो लोग आज निर्जला एकदम नहीं कर पाए, जो असमर्थ है, किसको कोई बीमारी है, जो निर्जला नहीं कर पाए, फल फूल से आप लोग ने किए हो, इसलिए आप लोगों के लिए क्या क्या बनाया? मैंगो शेक बनाया। आप लोग मैंगो शेक लेके जाना, जो लोगों ने व्रत जो निर्जला रखे, बहुत अच्छी बात है। निर्जला एकदम जो निर्जला रखे हो और नहीं ले, जो निर्जला नहीं रख पाए, फल मूल से किया हो, आपके लिए मैंगो शेक बनाया हुआ,
और म्यांगा सकल लेकर के ही आप लोग जाना, ठीक है। बोले श्री पांडव निर्जला एकादशी की। और आज का दिन जितना दूर हो सके, जितना दूर हो सके कोशिश करना थोड़ी सी ज़्यादा से ज़्यादा नाम करने के लिए हरिनाम, क्योंकि आज अगर एक माला करोगे ना 100 माला करने का फल मिलेगा। आज भी इतने इतने महिमा। और आप लोग लगते हैं नई नई आए हो, कहाँ रहते हैं, पास में ही, हाँ रोज रोज कथा में आओ। कितना बिनु सत्संग विवेक ना हो, कथा में नहीं आती इतना ज्ञान थोड़ी मिलती, इसलिए जो कथा में आएगा वो कोई भजन होती है। और बहुत लोग तो हरिनाम माला लेकर गए लेकिन मंदिर में दिखाई नहीं पड़ते हैं, दिखाई। और जो लोग मंदिर में आ रहे हैं ना, केवल आपका भजन ही बचा हुआ है। और जो मंदिर में नहीं आते, कुछ दिन बाद गले से कंठी उतर जाती है, तिलक जल जाती, माला जब भी खत्म हो जाती। क्यों? जैसे कोई एक पौधा को आपने बोए, अगर उसमें पानी नहीं दोगे तो क्या होगा, सूख जाएगी, धीरे धीरे सूख जाएगी। इसलिए जब तक हम भक्तों का साथ में आएंगे, कथा सुनेंगे, तब तक हमारी भक्ति टिकी रहेगी। अगर कथा में नहीं आओगे तो भक्ति 2 दिन बाद खत्म। इसलिए शास्त्र में कहते तुम भक्ति के दूसरे का आचरण कर रहे हो लेकिन कथा में नहीं आते हो, कथा में नहीं आते हो कि तुम्हारी भक्ति प्योर भक्ति नहीं है। जैसे कोई एक लड़का किसी लड़की को प्रेम करता है, लड़की लड़के को प्रेम करता है, उसका नाम सुनते ना कान खड़ा हो जाता है, क्यों, उसका प्रेम करता है। इसलिए भगवान को प्रेम अगर कोई करता है उसका प्रमाण किया है, भागवत कहता है, देखो ये श्लोक है, बोले धर्म सुनिष्ठित पुंसा विश्व सेन कथा सुच न उत्पातयत जति रति श्रम एव ही केवलम है। क्या दूसरे चीज में तो तुम्हारी रुचि लेकिन कथा में तुम्हारी रुचि नहीं, क्या तो परिश्रम सब बेकार है। इसलिए जिसको जितना कथा में रुचि, जितने कथा में आ रहे हैं समझना वही व्यक्ति, क्योंकि कथा सुनना मतलब पेड़ में पानी देना, पानी दोगे तो हरा भरा रहेगा, तो पानी नहीं दो तो सूख ही जाएगा। इसलिए कथा में जरूर आया करो और सबको भक्तों को लेकर के भी आओ, ठीक है। बोले श्री पांडव निर्जला एकादशी की। और एकादशी पालन करने वाले भक्त वृंद की जय जय श्री राधे श्याम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे I
जय जय श्री राधा पिताई गौर प्रेम हरि।